दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल नवोदय स्टडी अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन को सीखने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे और यहाँ पर हम लोग थ्योरी और कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रेशियो होता क्या है। रेशियो क्या होता है? रेशियो वह होता है मतलब कि दो चीज़ को आपस में कंपेरिजन किया जाए उसे रेशियो कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर लेकर देख सकते हैं। जैसे कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की लंबाई यहाँ पर जैसा कि लिख दिया गया है तो अब कंपेरिजन पूछा है। तो कंपेरिजन कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ए बटा बी के फॉर्म में लिख लेना है। तो ए बटा बी के फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो ए कितना है, पहली राशि कितनी है 10 है, तो 10 लिख लेंगे और दूसरी राशि 5 है तो नीचे 5 लिख लेंगे। फिर क्या करना है, तो फिर ए रेशियो बी के फॉर्म में लिखा जाता है। मतलब कि ये जो दिख रहा ये क्या है, ये रेशियो का सिंबल है। तो ए कितना है 10 है और बी कितना है 5, तो ये 1 बार में चल गया और ये 2 बार है, मतलब कि 2:1 मतलब 2:1 निकल कर आ गया। तो ये कंपेरिजन किया जाता है, मतलब दो चीज़ों का आपस में जिसको कंपेरिजन किया जाए उसको रेशियो कहते हैं। तो ये रेशियो होता है। तो एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा होगा इसकी ऊँचाई कितनी है, इसकी ऊँचाई को हम लोग मान लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हाँ तो इसकी ऊंचाई को हम लोग कितना ले लेते हैं, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 15 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग कितना, और 3 सेंटीमीटर। तो देखते हैं इन दोनों का कंपेरिजन कितना कैसे करना है। तो जैसा कि अभी बताया गया था ए बटा पहले बी के फॉर्म में लिख लेना है। तो ए बटा बी के फॉर्म में कैसे हो जाएगा, पहली राशि ए कितना है 15 है और सेकेंड थर्ड कितना है, मतलब सॉरी बी मतलब कि सेकेंड राशि कितना है 3 है। तो इस तरह लिखने के बाद ए रेशियो बी के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ए कितना है 15 है और बी कितना है 3, तो ये चल गया 3 से 5 बार में और 3 चल गया 1 मतलब कि 5:1 कितना, 5:1 निकल कर आ जाएगा। मतलब ये देखने को मिल रहा है कि दो चीज़ों का आपस में कंपेरिजन किया जाए उसको रेशियो कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि इस तरह रेशियो निकाला जाता है। तो हम लोग चलते हैं एक और एग्जांपल को लेकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि ये क्या है, ये बड़ा है और ये क्या है छोटा। तो इन दोनों का कंपेरिजन करना है। क्या कंपेरिजन, एक मिनट। तो इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 1, मान लीजिए ये कोई रोड है, क्या ये रोड है, तो इसकी लंबाई कितनी है 1 किलोमीटर चौड़ा और इसका है 500 मीटर। तो मीटर और तो यहाँ पर इसका हम लोग कंपेरिजन करेंगे इन दोनों का, तो इन लोगों का कंपेरिजन जो होगा वह एकदम गलत होगा। तो आखिर क्यों, क्योंकि किलोमीटर का जैसा कि यहाँ पर देखा जाए तो पहले क्या हो रहा है किलोमीटर में यहाँ पर हो रहा है, लेकिन उसको फिर हम लोग यहाँ पर मीटर में कंपेरिजन कर रहे हैं। इसका मतलब अलग अलग चीज़ों को एक में कंपेरिजन किया जाए वह रेशियो नहीं होता है। तो यहाँ पर किलोमीटर का कंपेरिजन मीटर में किया जा रहा है तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसका हम लोग रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही इसका कंपेरिजन किया जा सकता है, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में कंपेरिजन किया जा सकता है, वेट में है तो वेट में ही, और लेंथ में तो लेंथ में, ब्रेथ में तो ब्रेथ में। तो ध्यान रखिएगा इसका। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है। तो इन सबको क्या करना है, आप सबको पहले जो रेशियो में उसको आप लोग को सबसे पहले ए बटा बी के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो 5:6 जैसा कि मैंने अभी बताया कि ए बटा बी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो पहली राशि कौन सी होती है ए और सेकेंड राशि कौन सी होती है बी होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसको लिख कर। तो और इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताएंगे। तो 5:6 हो जाएगा। और सेकेंड का 7:9 हो जाएगा और इसका 3:1 और यहाँ पर क्या रहा 9:9 है। तो क्या लिखाएगा यहाँ पर 9:9 है तो 9 से 1 चल जाएगा और यहाँ मतलब कि 1:1 आएगा। और फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर ये इसको फॉर्म में किस फॉर्म में लिखना है, इसको लिखना है रेशियो के फॉर्म में, मतलब कि ए रेशियो बी के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह लिखते हैं। तो 7:2 हो जाएगा और यहाँ पर 3:9 है तो 3 चल जाएगा कितना, 3:9
तो इसको हम लोग लिख देते हैं 3:9 में, और ये 1 और ये 1 बार में, और ये चलेगा 3, मतलब कि 1:3 बार में। और यहाँ पर कितना है 8/12 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये चलेगा 4 बार में, और ये 6 बार में, फिर ये 2 बार में, फिर ये 3, मतलब कि 2:3 बार में। तो ऐसे आप लोग निकाल सकते हैं रेशियो का, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए हो तो एग्ज़ाम में आप लोग जल्दी से कर लेंगे। यहाँ पर देखिए रेशियो का जो कंसेप्ट है वह क्लियर हो चुका है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में कंपेरिजन करेंगे, अगर किलोमीटर में हो तो किलोमीटर में, वेट में तो वेट में, मतलब कि दोनों चीज़ें और जो हों वह अच्छे सेम रहनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आप लोग को रेशियो समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब हम लोग इधर की ओर प्रोपोर्शन की ओर। फिर भी प्रोपोर्शन से के यहाँ जाने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं और कुछ फॉर्मूलेस को भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मूलेस को और क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा, यहाँ पर इस फॉर्मूले पर आएगा a:b इक्वल टू कितना है, तो a:b हो जाएगा, जैसा कि इसमें हम लोग कराए थे। इस वाले में कैसे कराए हैं कि अगर 5:6 है तो उसको 5/6 में लिखा जाएगा। तो ये जो है आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है तो उसका ध्यान रखिएगा, ये भी एक फॉर्मूला है, तो इसी पर क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आज तक क्या करा है क्वेश्चन की, यदि राम और श्याम के पास क्रमशः 10,000 और 50,000 रुपये है तो दोनों का अनुपात क्या होगा। तो जैसा कि अभी बताया है कि a:b होगा, तो किस फॉर्म में a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा, इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर, तो 10,000 है, तो यहाँ पर मतलब कि राम के पास 10,000 है और श्याम के पास 15,000 है, तो ए कितना हुआ, पहली राशि 10,000 है, तो यहाँ पर हम लोग पहले 10,000 लिख लेते हैं, और उसके बाद 15 मतलब बी सेकेंड राशि कितनी है 15,000, तो यहाँ 15 लिखा जाएगा, और यहाँ पर 3:0 तो चला जाएगा, और यहाँ पर 10 बचा तो 10 2 यहाँ पर चल जाएगा 5:2 बार में, और यहाँ पर 15:5 चल जाएगा 3 बार में, मतलब कि 2:0। तो ये कितना आ गया, ये आ गया किस फॉर्म में, ये आ गया, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ये आ गया a/b के फॉर्म में, किसके a/b के फॉर्म में, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b फॉर्म हो तो a:b हो जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर a/b फॉर्म है तो किसके फॉर्म में हो जाएगा, 2 a:b के, तो a कितना है 2 है और b कितना है 3, तो मतलब कि 2:3 क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। तो दोनों का यहाँ पर रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया, मतलब राम और श्याम के पास कितने रुपये हैं, 10,000 और 50,000 है, तो दोनों का अनुपात पूछा है, तो दोनों का अनुपात कितना आएगा, 2:3 आएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट एक तरह का है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख लिए और यहाँ पर फॉर्मूले इसको देखते हैं इसी तरह के। चलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट की ओर। तो स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूले में क्या है कि अगर a:b, तो प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन वो होता है, तो यहाँ पर हम लोग प्रोपोर्शन देख रहे हैं, तो प्रोपोर्शन वो होता है कि एक दो रेशियो का आपस में कंपैरिजन किया जाए, उसको प्रोपोर्शन या अनुसमानुपात करते हैं। जैसा कि यहाँ पर a:b है, क्या a:, उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, a:b, और यहाँ पर ये जो साइन दिख रहा है वो किसका साइन है, सिंबल वो प्रोपोर्शन का है, वो प्रोपोर्शन का साइन है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि दो रेशियो का आपस में क्या किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है, जैसे कि ए और बी एक है और बीच में ये रेशियो हो गया, सॉरी समानुपात हो गया, और सी डी हो गया, मतलब कि दो चीज़ जो रेशियो का आपस में कंपेरिजन किया जा रहा है उसको कह रहे हैं प्रोपोर्शन। तो देखते हैं यहाँ पर ये फॉर्मूलेस को, तो ये फॉर्मूला अगर एड इक्वल टू हो तो bc होगा, अगर ए इक्वल टू, अगर ए इक्वल टू पूछ दे क्वेश्चन में तो bc/d होगा, बी पूछ दे तो ad/c होगा, सी पूछ दे तो ad/b, और डी पूछ दे तो bc/a होगा। तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन को भी और एग्जांपल को भी देख लेते हैं। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 10:13 और समानुपात x:26, तो यक्स का मान पूछा है, तो यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स किस स्थान पे है, यक्स किस स्थान पर, 3 वाले स्थान पर है, तो मतलब कि सी वाले स्थान पर, तो सी इक्वल टू क्या देखने को मिल रहा है, c=ad/ कौन सा, ad/b, मतलब कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इरेज कर लेते हैं,
तो ए डी बेटा बी हो रहा है, तो ए कितना है, ए 10 है मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में कोई कसा नहीं होगा, तो मल्टीप्लाई का डी कितना है 26 है, और डी कितना है बी 13 है, तो 13 से 2 बार में चल जाएगा कौन 26, तो 10 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया, तो मतलब कि सी का जो मान है वह 20 आएगा, तो 20 इज़ द राइट आंसर, जिसका भी है उसका राइट है। तो इस फॉर्मूला पे आप लोग ऐसे क्वेश्चन को यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसको डी होगा, एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 5:8 और समानुपात 20:x, तो यक्स का मान पूछा, तो यक्स किसने स्थान पे, डी वाले स्थान पे, तो डी का हम लोग मान निकाल कर देखते हैं यहाँ क्या होगा, तो डी की इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, डी इक्वल टू बी सी बटा ए है, तो बी कितना आया है, बी 8 है, और सी कितना है, सी 20 है, और ए कितना है 5, तो 5 से 4 बनने चल जाएगा 20, तो 8 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32, मतलब कि जो 32 है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो अगर आ गया तो जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग कैसा लगा। तो यहाँ तक आप यहाँ तक समझ लिए, तो और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की ओर। तो अब हम लोग आते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले की ओर, और कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये वाला, आप सबको क्या ये वाला स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें क्या लिखा हुआ है, मध्य समानुपाती, मतलब इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शन कहते हैं, जिसको यक्स तथा वाई का मध्य समानुपाती निकालना होता है। तो एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है इस क्वेश्चन को करने का, तो जैसे कि एग्जाम में पूछ देगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूछ देगा कि 4 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा, 4 और 16 का मध्यानुपाती क्या होगा। तो ये अगर क्वेश्चन पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अंडर रूट यक्स वाई लिखा हुआ था, अंडर रूट लिख लेंगे, और यक्स कितना है 4 है, और वाई कितना है मल्टीप्लाई हो जाएगा 16, तो इक्वल टू कर लेंगे, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 2 आएगा, और 16 का 4, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, मतलब कि 8 जो है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है इसको हम लोग इरेज करें, क्योंकि यहाँ पर हो चुका है, इसका हम लोग निकाल चुके थे, तो मतलब कि जिसका भी 8 आया उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने को देखते हैं। तो ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर तृतीय अनुपाती होता है जिसको थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं, उसका फॉर्मूला है वाई स्क्वायर बटा यक्स हो जाएगा, और विलोमानुपात होता है तो उसका फॉर्मूला ये है। तो इन फॉर्मूले को आप लोग जल्दी से रिमेंबर कर लेंगे, और उसका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दीजिएगा, आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं अब और सूत्र की ओर। तो नेक्स्ट यहाँ पर है, तो ये वाला फॉर्मूला आप सबको देखने को मिलता है, यक्स वटा वाई इक्वल टू यम यन हो जाएगा। और यहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली राशि मल्टीप्लाई चौथी राशि इक्वल टू कितना होता है, दूसरी राशि मल्टीप्लाई तीसरी राशि, और पहली राशि का फॉर्मूला ये है। तो इन फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, इनका PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अब हम लोग प्रोपोर्शनल के कुछ एग्जाम्पल्स को। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा A:B समानुपात C:D, तो इस फॉर्म में कौन रहता है, इस फॉर्म में प्रोपोर्शनल रहता है, कौन प्रोपोर्शनल रहता है, मतलब कि समानुपात। तो इस पर हम लोग एग्जांपल को देखते हैं कि कौन कैसे निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे प्रोपोर्शनल को। तो जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा 8/9 और 6/12, तो ये दोनों क्या है, इन दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 8:9 हो जाएगा, और यहाँ पर 6:12 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 1 बार में और ये 2, तो यहाँ पर इरेज करके हम लोग लिख भी सकते हैं। तो ऊपर यहाँ पर भी आप लोग जैसे कि अपॉन में रहेगा तो भी आप लोग यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि 1 बार में और ये 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 1:2 बार में आ जाएगा। तो फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या होता है। तो इस बार कर लेने के बाद अब देखना है कि ये जो रेशियो है वो सही, सॉरी यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल है वो सही है या गलत, ये देखना है। तो देख लेते हैं, तो 8/9 था और 6/12, तो इसको हम लोग यहाँ पर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में 9 का, तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा, और यहाँ पर 9 आएगा, और 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने क्या मिल रहा है, दोनों की जो संख्याएं हैं वह सेम नहीं, अलग अलग है, जैसा कि यहाँ पर 16 और यहाँ पर 9 है, तो ये जो है वह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोपोर्शनल जो है वह गलत आएगा। तो अगर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, सॉल्व करके चेकिंग कर सकते हैं कि आप सबका सही है या गलत, ये आप सबका रॉन्ग है। तो एक और एग्जांपल को देखते हैं कैसे सही हो सकता है। तो स्क्रीन पर दिख रहा हुआ ये वाला आप सबको, तो इसमें क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले, सॉरी यहाँ पर पहले चल जाएगा, एक मिनट रुक जाइए,
हाँ एक मिनट, तो यहाँ पर वन बार में चल जाएगा और ये थ्री बार में, ये भी वन बार में और ये थ्री। तो देख लो कैमल ड्राइव 1:3 और यहाँ पर 1:3, और इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा और यहाँ पर 3, मतलब कि ये जो है हमारा एक सही समानुपात है। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, तो अगर नहीं आया तो, अगर आ गया हो तो कमेंट सकते हैं, बताना ना भूलें, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें।